अच्छे से अच्छे अधिकारी जो हैं यहाँ वो रहना नहीं चाहते। बिहार में कोई भी अधिकारी नहीं रहना चाहता है। आरएस भट्टी जो जा रहे हैं बिहार छोड़कर वो भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका भी कार्यकाल बाकी था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपना तबादला करवा लिया है। तेजस्वी यादव का बयान है कि आरएस भट्टी का समय अभी बचा हुआ था, अब वो अपना प्रमोशन के यहाँ पर डिमोशन करवा कर यहाँ जा रहे हैं। तो ये सुनिए तेजस्वी यादव तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। किसी अन्य राज्यों के इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं है। और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती है, बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पर क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं। हर जगह इस तरह का माहौल जो है बीजेपी के लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे। कोई रहना कहाँ चाहता है यहाँ, अच्छे से अच्छे अधिकारी जो हैं यहाँ वो रहना नहीं चाहते। अभी उनका कार्यकाल बाकी था, और बल्कि स्टेट का डीजीपी जो है कहीं गुना सीआईएसएफ के डीजीपी से ताकतवर होता है। तो कोई भी बाई चॉइस अगर किसी व्यक्ति को अगर डीजीपी अगर बनना हो तो वो प्रेफर करता है कि भाई स्टेट का डीजीपी बने। तो आप समझ रहे हैं कि पहले भी वो सेंटर में थे, वो आए, उनको काम करना था, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें देखनी थी। लेकिन यहाँ जो माहौल है पूरे बिहार में, जो आईएएस हैं वो भी कुछ लोग वो दबा करके रखना चाहते हैं आईपीएस लोगों को। और यहाँ नीतीश कुमार के जी के राज्य में पूरी तरीके से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग आईपीएस की होती है या आईएएस की होती है वो नीलाम किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा नीलामी में भागीदार होगा उसी को अच्छी पोस्टिंग नीतीश कुमार जी के राज्य में मिलती है। पूरी तरीके से खुला नीलामी होता है, ये सब जानते हैं। इसलिए जो अच्छे अधिकारी हैं वो रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, जो फेयर काम करता है उस पर दबाव डाला जाता है कि उनके हिसाब से काम, कोई भी बलात्कार करने वाला उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जाके मार्केट में तोड़फोड़ करिएगा क्या, उसका साथ आप दे रहे हैं। जो बाजार में जितनी डकैती की जा रही है खुलेआम, तो आप उन लोगों के साथ खड़े हैं क्या। तो फिर सुना तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि आरएस भट्टी का भी समय काल बचा हुआ था, बावजूद इसके वो बिहार छोड़कर जब जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी अधिकारी बिहार में रहकर काम नहीं करना चाहता है। वहीं उन्होंने बंगाल के मुद्दे पर भी अपनी बातों को रखा और कहा है कि यूपी में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं होती है जहां पर बीजेपी शासित है, लेकिन बंगाल में जो हुआ है उसको लेकर ज्यादा बवाल किया जा रहा है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।